कि ये है हमारा सेकंड डेस्टिनेशन और हम आए हैं यहाँ पे मीटिंग के लिए। देखते हैं क्या निकलता है और क्या आगे आने वाले दिनों में करना है। स्टे ट्यून्ड रत्नाली। बहुत गर्मी है गाइस, उन्होंने कहीं और बुलाया है ऊपर में, तो जा रही हूँ लेकिन आप धूप को देख रहे होंगे, बहुत ज़्यादा गर्मी है। हेलो व्यूवर्स, मैं फिर से आ चुकी हूँ तरंगा अगरबत्ती के ऑफिस में। बहुत सारे प्लानिंग्स हैं फ्यूचर के लिए, स्टे ट्यून रहिएगा। नलिनीज़ किचन सब्सक्राइब कीजिएगा यूट्यूब पे भी और मेरा जो ब्लॉगिंग का चैनल है उसको भी। लेकिन आज मैं आपको कुछ खास बताने आई हूँ। आज मैं उनके ओनर से यानी कि तिरंगा बत्ती के ओनर से मिलाने आई हूँ। बहुत ढेर सारी अच्छी अच्छी बातें वो शेयर कर रहे हैं और मैं चाहती हूँ वो आप तक पहुँचे, और आप तक पहुँचेगा जब आप उन्हें सुनेंगे। अब ये जो आपका कैमरा है मैं उनकी तरफ करती हूँ, आप उनकी बातों को अपने जीवन में अपनी लाइफस्टाइल में उतारिए। सर, आप कुछ अपने बारे में कुछ इंट्रोडक्शन दें हमारे व्यूवर्स को, पहले वो जाने कि आपका जो व्यक्तित्व है वो बहुत विशाल है। मैं इनको पर्सनली जानती हूँ लेकिन जब आपको ये बताएंगे तो आप भी खुद कहेंगे कि बहुत विशाल इनकी पर्सनैलिटी है, इनके अंदर बहुत कुछ सीखने के लिए हम लोगों के लिए है। आप सर अपने बारे में बताएं और बताइए कि आपका क्या उद्देश्य है, आप अपने जो प्रोजेक्ट को लेकर के कितनी गंभीरता है आपका और कहाँ तक आपको जाना है अपने प्रोडक्ट को लेकर के। नमस्कार, जय माता की सभी लोगों को। नली, मैं ये बताना चाहता हूँ कि हिंदुस्तान पहले हमारा विश्व गुरु था, पूरे विश्व गुरु के रूप में हमारा देश की शान थी, पहचान थी। शायद हम आज जो है पुनः विश्व गुरु बन सकते हैं अगर हम थोड़ा सा अपने अतीत को जाने। जैसे कि क्या है कि शायद हम में से हम लोग तीन चीजें हमारे जीवन में होती हैं, एक होता है हमारा तन, एक होता है हमारा मन और एक होता है हमारा धन। तो तन को साफ रखने के लिए हम लोग बहुत केयर करते हैं कि हम अपने बालों को कैसे ठीक रख सकते हैं, उसके लिए भी हम बहुत सी चीजें इस्तेमाल करते हैं। कॉस्मेटिक्स के लिए गाल को कैसे ठीक रख सकते हैं तो उसके लिए भी हम अपने को बहुत ध्यान देते हैं। इसी तरीके से शरीर को कैसे फिट रखना है तो उसके लिए हम जिम जाते हैं। तो जिस तरीके से हम अपने बाल के लिए, गाल के लिए, चाल के लिए, तन के लिए हम जितना सजग रहते हैं, क्या हम अपने मन के लिए क्या करते हैं? मन को शुद्ध रखने के लिए, मन को साफ रखने के लिए हम क्या करते हैं? तो शायद हम पाएंगे कि हम मन को साफ करने के लिए कुछ भी नहीं करते। मन कैसे साफ होगा? मन साफ कहते हैं जैसा खाओगे अन्न वैसा होगा मन, जैसा पियोगे पानी वैसी होगी वाणी। इन बातों की जो कहावतें हैं उसको हमें अपने जीवन में आत्मसात करना होगा, और हमें अपने जीवन में जो भी हमें खान पान है वो हमें सात्विक खाना है और शुद्ध खाना है। सर, आप कानपुर में किस ब्रांड के नाम से जाने जाते हैं? मेरा अगरबत्ती का व्यवसाय है और तिरंगा अगरबत्ती के नाम से हम लोग अगरबत्ती वाले हैं। तो हमारी इच्छा ये है कि पूरे देश और दुनिया में लोग खुश रहें, खुशबू को महसूस करें, महके सारा जहां। आप मसाले की दुनिया में भी कदम रख रहे हैं सर, तो उसके लिए आपने क्या सोचा है? मैंने सोचा है कि आज जो है लोग अच्छे स्लोगन्स कह करके बोलते हैं कि मेरा प्रोडक्ट ऐसा है वैसा है, तो हमें क्या है उसकी गुणवत्ता की कसौटी पर, मतलब कंज्यूमर के साथ कभी भी जो है जो उनकी उम्मीद हो उस उम्मीद की कसौटी पर पूरी तरह से खरा उतरना है। तिरंगा अगरबत्ती आज वैल्यू फॉर मनी प्रोडक्ट के लिए जानी जाती है। आज तिरंगा के करोड़ों जो उपभोक्ता हैं वो सभी लोग, आज तक मुझे कोई भी ऐसा डीलर डिस्ट्रीब्यूटर, मैं पर्सनली भी हूँ, यूज करते हैं, आपकी अगरबत्ती बेहतरीन है। सर, आप ये बताएंगे कि आने वाले दिनों में आप कोई क्या नया प्रोडक्ट लॉन्च करने वाले हैं? हाँ, मैं कुछ स्पाइसेस की दुनिया में लाना चाहता हूँ। आप यूथ की किन बातों से नाखुश हैं और क्या उनमें बदलाव लाना चाहते हैं? मैं यूथ से बहुत उम्मीद रखता हूँ क्योंकि युवा ही देश की तस्वीर और तकदीर को संवार सकते हैं। युवा जिस दिशा में
जाएंगे। अभी सर ने ये बताया कि बच्चे पूजा नहीं करना चाहते हैं और वो हवन को पॉल्यूशन मानते हैं, तो मैं चाहती हूँ इस बारे में दो लाइन जरूर बताएं। मैं आपको बतलाना चाहता हूँ, जैसे जीवन में हम लोगों के जीवन में बहुत से राह होते हैं। आदमी के जीवन में व्यापार होता है, व्यवहार होता है, परिवार होता है, सरकार होती है, रिश्तेदार होती है। तो इसी तरीके से जो आज का यूथ है वो सोचता है, बहुत सा यूथ है वो सोचता है हमें जो जीवन में मिलेगा वो सब चीजें ना तो परिवार से मिलने वाली है, ना व्यवहार से मिलने वाली है, ना व्यापार से मिलने वाली है, ना रिश्तेदार से मिलने वाली है। जो कुछ हमें मिलेगा वो बाहर और बाहर से मिलेगा। मैं उनको ये बताना चाहता हूँ कि नहीं, तुम्हें खुद को जानना है, तुम्हें जो कुछ भी मिलेगा वो खुद से मिलेगा या दरबार से। उसके लिए जड़ से, जड़ पे जाना पड़ेगा, हिंदुस्तान के रूट्स पे भी जाना पड़ेगा। दरबार, दरबार जो है वो परमात्मा की कृपा बिना आप कुछ भी नहीं हासिल कर सकते। तो उस दरबार को आपको नहीं छोड़ना है, क्योंकि देखो नली, मैंने जैसे जीवन में बहुत सा अनुभव किया, हम लोगों के यहाँ साला करके कई चीजें होती थी। लोग अपने जीवन में जैसे पाठशाला है, गौशाला है, पौशाला है, गर्मियों में पौशाला है, या धर्मशाला है रुकने के लिए तीर्थयात्रियों के लिए धर्मशाला बनवाते थे, गऊ माता की सेवा के लिए गौशाला बनवाते थे, इसी तरीके से गर्मियों के लिए लोगों के लिए गौशाला का इस्तेमाल, शुद्ध पानी पिए गौशाला का था। आज हमारा समाज ना तो गौशाला के प्रति आकर्षित है, ना पौशाला के लिए आकर्षित है, धर्मशाला की जगह हम गेस्ट हाउस बनवा रहे हैं इस तरीके से। और हम अगर कुछ करना चाहते हैं तो हमको लगता है कि जीवन में है वो मधुशाला से के प्रति ज्यादा वो रहते हैं। सर एक बहुत पर्सनल आपसे क्वेश्चन और करना चाहती हूँ, आप धर्मार्थ का भी काम करते हैं, कई और चीजों से जुड़े हैं, जैसे आपने बताया गौशाला से भी जुड़े हुए हैं, और आप एक बिम बार जैसे हम यूज करते हैं उसका आप शुद्ध राष्ट्रीय रूप लेकर के आ रहे हैं, तो आप बताइए आप धर्मार्थ के कौन कौन से काम करते हैं। हालांकि बहुत पर्सनल है, नहीं पूछना चाहिए, कि अगर इंसान आगे बढ़ता है तो धर्मार्थ कभी वो उसको एक ना एक रूट पकड़ के चलना चाहिए, तभी वो आगे बढ़ सकता है। तो आप क्या करते हैं? देखो नलनी, जैसे क्या है आज की डेट में यूज कहता है हमारे को 4G मोबाइल चाहिए, तो 4G की जगह पर हमारे यहाँ तो जितनी भी चीजें हैं, जी से चाहे गॉड की बात करो तो उसमें जी से ही शुरुआत है, गंगा की बात करो तो 4G के प्रति आप गाँव के लिए, गरीब के लिए, गौ माता के लिए और गोपाल के लिए, जिस परम पिता परमात्मा ने, जिस धर्म में भी आप हैं उसके प्रति जो आपके दायित्व हैं, कर्तव्य हैं, बहुत बेहतरीन मानव होकर के मानवीयता बताइए। बिल्कुल, कि अगर हम इंसान हैं तो पहले इंसानियत रखें, नियत अच्छी रखें तो ईश्वर बरकत जरूर देता है। आपको कैसे लगा इनसे मिलकर के, अपना नीचे फीडबैक दीजिए। नलिनी इस किचन को सब्सक्राइब कीजिए, मेरे इस ब्लॉग वाले चैप्टर को भी ब्लॉग सब्सक्राइब करें, लाइक एंड कमेंट का मुझे ऑलवेज इंतजार रहेगा, और कोई क्वेरीज इनसे पूछना है मैं फिर आऊंगी। फ्रेंड्स, मैं तिरंगा अगरबत्ती के ऑफिस में इस समय खड़ी हूँ। आपको बताया मैंने कि मैं इनके फ्यूचर में हम लोग काम करने वाले हैं उसके बारे में बात करने आए, लेकिन मैं कुछ बता देना चाहती हूँ, इनका अगरबत्ती इंडिया में नहीं वर्ल्ड में लार्जेस्ट सेलिंग भी है और बहुत ही प्रीमियम है। इसके बारे में ये स्वयं ही बताएंगे, इनकी अगरबत्ती में कितने फ्रेग्रेंसेस हैं, किस टाइप का है, किस रेंज में इंडिया और इंडिया के बाहर बेचते हैं, ये खुद बताएंगे। हाँ, ये तिरंगा अगरबत्ती के डिस्ट्रीब्यूटर हैं, राइट? आप कहाँ पे हैं इस समय? मैं राजस्थान प्रांत को देखता हूँ, पिछले 13 साल से मैं तिरंगा अगरबत्ती से जुड़ा हूँ और इसी परिवार की तरफ से सेक्रेट ग्रुप में इन्होंने अगरबत्ती लॉन्च की है। ये अगरबत्ती के संसार में अगर आपको कुछ जानना है तो वो तिरंगा में मिलेगा आपको, एक असीम संसार है ये। एक खास बात ये बताना चाहूंगा कि ये सुगंधी एकमात्र चीज है जो मन को डायरेक्टली जोड़ती है। बस मैं इनसे मिलाना चाहती हूँ, ये नरेंद्र जी के सुपुत्र हैं और इनका काम बखूबी आगे ले जा रहे हैं, तो क्यों ना हो, होनहार पिता के होनहार पुत्र हैं, तो इन्हीं के जुबानी सुनते हैं इनके प्रोडक्ट की जानकारी, आइए इनसे ही लेते हैं। और सर आप बताइए आप फ्यूचर में क्या करना चाहते हो और अभी क्या कर रहे हैं? वेलकम, करेंटली तिरंगा इज वन ऑफ द लार्जेस्ट सेलिंग ब्रांड्स इन इंडिया जी, अक्रॉस द वर्ल्ड जी, एंड वी हैव अ वाइड रेंज ऑफ प्रोडक्ट्स टू ऑफर इन द फील्ड ऑफ पूजा, राइट? और उसमें से अभी हम लोग का कंपनी का मेन फोकस है अगरबत्ती और धूप बत्ती के मार्केट में, करेक्ट? तो अभी धूप स्टिक की अगर मैं बात करूं तो अभी तिरंगा ने अभी सबसे पहला जो प्रोडक्ट निकाला है वो 12 in 1 धूप स्टिक, ओके, एक में एक साथ मिलेंगे, मतलब ग्राहक को हर हमेशा नई खुशबू एक साथ मिलेगी, मतलब एक ही पैकेज के अंदर ये सारी चीजें हैं। हाँ जी, एक ही पैकेज के अंदर 12 खुशबू एक साथ, जिसमें से
हम लोगों ने ग्राहक के लिए विशेष तौर से ध्यान रखते हुए, जैसे सब लोगों जैसे फूल की खुशबू की बात करें जी, हमारे पास इसमें गुलाब है जी, गुलाब के अलावा हमारे पास जास्मिन है, लवेंडर है, मोगरा है, और अगर कंपनी के जैसे ग्राहक बोलता है उसको कुछ डिफरेंट चीज चाहिए तो उसके लिए हमारे पास अरोमा है। एक कंपनी ने बड़ी यूनिक फ्रेग्रेंस बनाई है, केसर केवड़ा। वाओ, केसर और केवड़ा का डिफरेंट कॉम्बिनेशन। तो आपको हिंदुस्तानी फ्लेवर्स के साथ साथ आपने कुछ विदेशी भी देने की कोशिश की है क्या आपने अगरबत्ती में हमारे विदेशी क्लाइंट्स के लिए? You have fusion of some aromas? क्या है? It's a fusion of NRI and India. हाँ, so the correct. NRI people भी हमारे fragrances को appreciate. Correct, correct. So, market को देखते हुए बनाया गया है. All the products are 100% pure, genuine, okay. and they are export quality. तो इसको गरीब लोग भी खरीद सकते हैं, मीडियम क्लास के लोग भी खरीद सकते हैं और उच्च पूजा तो गरीब आदमी भी करता है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो यही आपका ये बहुत अच्छा है कि आपने प्रोडक्ट इस हिसाब से तैयार किया है कि गरीब से लेके उच्च वर्गीय लोग भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो सभी लोगों को तिरंगा अगरबत्ती के लिए शुभकामनाएं देने की जरूरत है ताकि ये और आगे करें और अपना ही नहीं देश का नाम भी गौरव स्थापित कर पाए। थैंक यू वेरी मच। तिरंगा के गौरव को और क्या बताएं, कुछ चीजें दिखाते हैं, इससे आपको पता चल जाएगा इनके गौरव की इतिहास की कहानी। और ये देखिए, आप एक तरफ से अगर हम शुरू करते हैं, ये देखिए, और आप इनको पहचानते होंगे हमारे देश के पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के साथ हमारे नरेंद्र जी बैठे हुए हैं। कितने गौरव की बात है। और मैं नलिनी बहुत आज गौरवान्वित महसूस कर रही हूँ कि मुझे इस ब्रांड के साथ बैठने का मौका मिला और आगे काम करने का भी मौका मिलेगा। लुक एट दिस, ये अपने रामदेव बाबा हैं। तो रामदेव बाबा की प्योरिटी और तिरंगा की क्या बात है, क्या कॉम्बिनेशन है इनका। फ्रेंड्स, अपने यूपी के योगी के साथ नरेंद्र भैया, और देखिए इनका इतिहास जितना भी दिखाऊं उतना कम है। लुक एट गाइस, सुंदर सी मूर्ति लक्ष्मी गणेश की, पूजा में बहुत विश्वास है, सात्विक सारा इनका कमरा है। घुसते ही एक पॉजिटिविटी का महसूस हुआ, इनका ऑरा बहुत सॉलिड है। और ये देखिए, ये मशहूर शायर हैं, ये सर कौन है? मुनव्वर राना साहब। हाँ, वाओ। इन्होंने माँ के ऊपर जो है जी बहुत रचनाएं लिखी हैं जी। और ये देखिए, इसके अलावा भी बहुत ही बेहतरीन तरीके से इन्होंने अपना ये ऑफिस का रूम सजा रखा है। बहुत सारे अवार्ड्स हैं, अवार्ड्स से भरा हुआ इनका ये कैबिनेट। और यहाँ हमारे ये बालाजी महाराज। Would also like to inform your viewers that Tiranga from the last 2 years have won the number one. Oh my God, look at this! India's number one brand award. We are winning for the past 2 years. Wow. According to customer research survey. Wow. And हमारे ग्राहकों ने हमारा साथ कभी नहीं छोड़ा, and we have more than 50 million customers. और ना ही छोड़ेंगे, और आगे आने वाले दिनों में आपके ग्राहक और भी बढ़ने वाले हैं। और भैया ने हमको ये उपहार, इतना ब्यूटीफुल डे रहेगा मुझे पता नहीं था, सर ने हमारा डे एकदम ब्यूटीफुल कर दिया है। थैंक यू वेरी मच। अभी मैं वहाँ से आ गई हूँ घर में, अब तैयार होंगी, और मुझे इनविटेशन मिला है एक प्ले का, बहुत ही अच्छा प्ले होने वाला है लाजपत भवन में। अनुपम खेर जी ने उसमें अपना योगदान दिया है, देखते हैं वो प्ले कैसे होता है। मैं जाऊँगी अपनी मम्मा के साथ, अपने बेटे के साथ, अपने हस्बैंड के साथ शाम को, और आपको भी ले चलूँगी, आपको दिखाऊँगी ये प्ले नलिनी के नज़रिए से, देखते हैं वहाँ किसको किसको हम लोग मिलते हैं। तो अभी के लिए मैं इजाज़त चाहती हूँ।